वास्तु के अनुसार कैसी बनाएं किचन। इन 20 टिप्स को फॉलो करने से होगी धन की वर्षा। किचन से जुड़े कुछ वास्तु के नियमों का ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का संचार ना हो सके। महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में व्यतीत होता है, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती होती है तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकती है। किचन से संबंधित छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। नंबर 1, खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किचन का सेल्फ, जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं, वो ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब हम खाना बनाएं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। आप इसे किचन के अग्नेय कोण यानी किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती है। नंबर 2, पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं हो तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो, कभी भी अग्नेय कोण में पानी का स्रोत ना रहे। नंबर 3, गैस स्टोव का बर्नर खराब नहीं होना चाहिए। बर्नर की सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से आप यदि खाना पकाती हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। नंबर 4, खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल ना रखें, इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 5, सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ादान ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 6, खुले डस्टबिन का इस्तेमाल ना करें। डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह पर रखें जिस पर आपकी नज़र ना पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। नंबर 7, एक ही जगह पर चूल्हा एवं सिंक ना रखें। यदि ऐसा है तो बीच में कोई लकड़ी का दीवार बना दे। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो कोई लकड़ी का पार्ट वहां रख दे। अग्नि एवं जल को एक ही लेवल पर ना रखे, बीच में कोई अलग तत्व रख दे। नंबर 8, किचन में झाड़ू ना रखे, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 9, किचन में कबाड़ ना रखे। जिस चीज़ की जरूरत ना हो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दे या उसे किचन से हटा दें। नंबर 10, खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय खाने की थाली को किसी मेट, चटाई या टेबल पर सामान के साथ रखना चाहिए। नंबर 11, भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 12, रात में जूठे बर्तन सिंक में ना रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन धो कर ही सोए। नंबर 13, किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिक सामान यदि खराब हो तो उसका जल्द ठीक कराएं, क्योंकि इससे राहु का प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालने लगेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। नंबर 14, किचन में चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा ना होने दें, इससे आपका बृहस्पति कमजोर होगा। नंबर 15, किचन की स्लेब काले रंग की ना हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। नंबर 16, किचन में भगवान की मूर्ति ना रखें और मंदिर ना बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता। नंबर 17, किचन में दवाई भी ना रखें, इससे दवाई का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही इसका असर
कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। नंबर 18, यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां जरूर खाएं, इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 19, किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं। नंबर 20, मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। किचन से जुड़ी इस वास्तु टिप को फॉलो करके आप घर में खुशहाली ला सकती हैं और धन के आगमन को भी बढ़ा सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक।